हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान की नमाज और दुआओं में हमें याद रखना। और ये थी मेरी पहली शहरी। और ये रमज़ान ना मैंने सोचा है कि मैं इबादत में ज़्यादा टाइम लूँगी। खाना वाना मैंने प्री कुक भी कुछ भी नहीं किया था, और ज़्यादातर हो सके इतना हम डीप फ्राई अवॉइड करेंगे। तो मैंने पहले दिन दही भल्ले बनाए थे। ओके, सो आज हम करने जा रहे हैं ये वाली क्लीन। और क्लीनिंग के लिए स्टेप नंबर वन, ये सारे हर्ब्स को मैं गरम करूँगी एक दो सेकंड्स के लिए। टन टन, और मेन वाले गरम होता है तब तक मैं ये बेकिंग सोडा इंडिया से लाई थी, वही मेरा है, यूज़ नहीं हुआ है। और लेमन से इसको घस के आधे घंटे तक रहने दूंगी। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री, ये जो हथियार मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के लाई हूँ इतनी मुश्किल से, इसको हम क्लीन करेगी। ताड़ा। और यहाँ राहत तारी के लिए बन रहे दही बड़े, दैट्स इट। है ना, काफ़ी बड़ा है। सो अभी हो गई इफ्तारी, अब हम जा रहे हैं जिम। जिम करने नहीं, जिम की मेंबरशिप फ्रीज कराने के लिए एक महीना, और उसके बाद वॉक भी हो जाए। यहाँ पे फिटनेस 24/7 करके जो जिम है जिसमें हमारी मेंबरशिप है, उसकी तुम मेंबरशिप फ्रीज करा सकते हो 1 मंथ और 3 मंथ। तो हमने सोचा रमज़ान में हम जा नहीं पाएंगे, हम थक जाते रात को 9-10 बज जाते और लेट हो जाता है, तो हम फ्रीज करा दे। बट फिर आगे देखो क्या हुआ। उसके बाद जिम के पास ही एक विलीज करके ग्रोसरी स्टोर है, हम यहाँ पर आ गए थे। वैसे तो हम लिडल से ही सारी चीज़ें लेते हैं, बट विलीज भी रिजनेबल है काफ़ी, और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती है और लिडल में नहीं मिलती। तो आ गए हैं, जिम का काम तो हमारा हुआ नहीं। उसने बोला तुम्हारा पेमेंट कट हो गया, तुमको कल आने चाहिए था, तुम्हारा बैड लक हमारे 500 ऐसी के बेकार ये महीना जिम नहीं जाएगा। और ये लिडल में 15 की आई थी ऑफर में। तो अगर ट्राई करना है तो छोटा पैकेट ले सकते हैं, आई काफे का ट्राई करो। तो हम नहीं, अलग अलग है, अलग अलग फ्लेवर है। तो हाँ, यहाँ पे हम आए तो हमने सोचा कि हम ये वाले जो लीडर में नहीं मिलते ड्रिंक्स वो ट्राई करें। ये बरिश्ता, ये वाला बरिश्ता, मेरे को इसके पैकेजिंग बहुत अच्छे लगते, कितना अच्छा लिखा है भी। ये बरिश्ता का दूध है कि बरिश्ता बने लिए ट्राई, तो ये बनी हुई है अपने, पता है पक्का नहीं लगा हम ये थे ना, कोई और ब्रांड थी। जीम तूने हमेशा धोखा कर दिया, तो हमने विलेज से ये लिया है टेस्ट करने के लिए, पता नहीं क्या है। ऐसी कुछ क्रिस्पी स्टिक्स है चीज़ और फ्रैक स्टिक्स की, का टेस्ट ओके है, वो वाली का ज़्यादा अच्छा, बट क्रिस्पी बहुत मस्त है, क्रंच है। तो हम छोटे बच्चे बन गए, हमारे शब नहीं हुआ तो हम अभी खा रहे खोल के। ये हो गया दूसरा दिन, और मैं बना रही हूँ दूसरे रोज़े की इफ्तारी की तैयारी। और मैं आज बना रही हूँ पास्ता। सुना यहाँ लीडर में इटालियामो करके जो एक ब्रांड्स है उसके बहुत सारे पास्ता एंड इटालियंस प्रोडक्ट्स आते हैं, तो मैंने ये पहली बार लिया था ट्राई करने के लिए। और इसमें कुछ नहीं था फिलिंग में, आलू और मशरूम नहीं, सॉरी आलू ही था। सो ये वाले पास्ता मैंने लिए हैं, इससे बोलते हैं पैनो टीनी अल पेस्टो, पेस्टो सॉस एंड आलू भरे स्टफ थे शायद, एंड टेस्ट तो ऐसा ही आ रहा था। मशरूम, गार्लिक, टोमेटो, बटर और चेडर चीज़, स्लाइस एंड मैदा। मैदे से हम वाइट सॉस बनाए गए। सबसे पहले मैंने पास्ता को बॉईल कर दिया है, इसको 1 बॉईल की ज़रूरत थी, तो बस एक बॉईल से निकाल लेके उसके बाद तब तक मैं टोमेटो प्यूरी कर डालती हूँ। टोमेटो को तुम बॉईल ब्लांच करके भी बना सकते हो, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और ये मैं गार्लिक छोटे छोटे चॉप कर लूँगी, क्योंकि गार्लिक फ्लेवर बहुत ही मेन चीज़ है, ज़रा तो मसाले लगते नहीं है पास्ता में, तो मैं गार्लिक ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अभी मैं मशरूम की स्किन भी निकाल दूँगी, क्योंकि लोग ऐसे भी बना डालते पर मुझे नहीं पसंद, तो मैं निकाल देती हूँ उसको। मैं फिलहाल सिर्फ मशरूम डाल रही हूँ। यू कैन ऐड योर चॉइस ऑफ वेजेस, कॉर्न भी डाल सकते हो, पेपरिका डाल सकते हो, रेड, येलो एंड ग्रीन। बट हाँ, ये सारी वेजेस ना, ब्रोकली, ये सारी वेजेस ना ज़्यादातर पैने पास्ता है या उस मैक्रोनी, उसमें अच्छी लगती है। ये स्टफ पास्ता मोस्टली प्लेन होता है पिस्तो सॉस का। सो यप,
क्योंकि मैंने मशरूम को स्लाइस कट कर लिया। उसके बाद मैं एक प्याज भी चॉप करूंगी छोटी बारीक। और ना मुझे ये बताओ तुम कमेंट सेक्शन में कि रमज़ान में ऑयल फ्री रेसिपी क्या बनाई जाए। आई मीन हम तो वही बचपन से पकोड़े समोसे खा के इफ्तारी मनाए जा रहे हैं, बट उसके बिना सब्र भी नहीं आता। तो फिर भी हम ट्राई करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल फ्री रेसिपी बनाए और खाए, हेल्दी रहे, थोड़ा वॉक करे तो थोड़ा सा हेल्थ अच्छी रहे, यू नो। सभी मैंने पैन में डाल दिया है बटर, बटर के साथ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल रही हूँ कि बटर जल ना जाए। और उसके बाद गार्लिक को सौते करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद ऑनियंस भी डाल देंगे, ट्रांसपेरेंट हो तब तक पकाएंगे उसे। और आप सभी के रोज़े कैसे चल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे इबादत चल रही है, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल शेयर माई इबादत एंड जिक्र प्लान जो मैंने रमज़ान का प्लानर बनाया है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। सो ये ले ली है मैंने गार्लिक पोकेटो, ये ना यहाँ पे रेडीमेड मिलती है, इसके अंदर गार्लिक का स्टफ़ है, गार्लिक ब्रेड बेसिकली वही है। अगर तुम घर पे नहीं बना रहे हो तो तुम ये भी कर सकते हो, बस अवन में गरम कर लेना है तो 10-15 मिनट में बन जाती है। बट या अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम घर पे भी बना सकते हो, इजी है वो भी। सभी मैंने मशरूम डाल दिया है, मशरूम को ज़्यादा नहीं पका रही क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैं डालूँगी टोमेटो प्यूरी को थोड़ा पकाने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दें तो जल्दी से घुल जाते हैं। और साइड में मैंने शुरू कर दिया है बनाना वाइट सॉस। सो वाइट सॉस बनाने के लिए मैं लूँगी बटर, थोड़ा सा बटर ले लूँ बट उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और साइड में मैं उसमें मसाला भी डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर, रेड चिली एक्चुअली मैंने गलती से डाल दी थी, वरना उसमें सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर ही लगती है। मेरा ध्यान कहाँ था पता नहीं। अभी ना यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मैदा ले लिया था जिसकी वजह से मेरा वाइट सॉस बिगड़ गया था। फिर मैंने फिर से बनाया और इसमें ना क्वांटिटी कम रखनी होती है मैदे की, तो हमेशा ये जो मैंने लिया है उसका हाफ लेना है। तो अभी मेरा वाइट सॉस बन नहीं रहा था, अब इसमें मैंने वेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से बनाया, उसमें मैंने मैदा कम थोड़े आटे से बनाया, ग्रेजुअली मिल्क ऐड करते जाओ तो वो इस कंसिस्टेंसी का वाइट सॉस बन जाएगा। उसके अंदर ओरिगानो, चिली फ्लेक्स एंड नमक डाल दें तो वो टेस्टी हो जाएगा। अब ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रेवी में, दैट्स इट। अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीनवाइल मैंने ओवन को प्री हीट करने रख दिया है, उसके साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़ एंड थोड़ी सी चीनी, क्योंकि थोड़ा बिटर टेस्ट हो रहा था, नमक शायद ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने चीनी ऐड की थी। एंड उसके बाद बस ये थोड़ा पक जाए, मिक्स हो जाए, उसके बाद लास्ट में तुम्हें ये जो पास्ता बॉईल किए थे वही डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक के थोड़ी देर रख दोगे। देखो यहाँ पे मैंने और एक गलती की, पास्ता ना एकदम मिक्स हो गए थे, ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल के रखना चाहिए उसे, वरना ये एकदम मिक्स हो जाते हैं। बट फिर भी ये तो स्टफ पास्ता थे तो अलग हो गए, वो छोटे वाले होते ना वो एकदम फैमिली बन जाती, एक दूसरे से चिपक जाते। क्या बोल रही हूँ मैं। ओके सो मैंने ओरिगानो चिली फ्लेक्स डाल दी है, दैट्स इट, हमारा स्टफ पास्ता रेडी है। और बस यही हमने ये इफ्तारी में, पहली इफ्तारी दही भल्ले खाए, दूसरी इफ्तारी पास्ता खाए। और इंशाल्लाह मैं आगे भी बेक रेसिपी शेयर करूँगी। और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल।